हे गाइस, तो आज मैं आपके साथ चीज़ बॉल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है उबले हुए 2 आलू, इसे मैश कर लिया। फिर इसमें मैंने अदरक को ग्रेट करके डाला है, और एक थोड़ी सी गलती हो गई, मुझे याद नहीं रहा कि मिक्स करते वक्त कैमरा जो है वो ऑफ हो गया था। तो बता दे रही हूँ आपको, इसमें मैंने कॉर्न डाला है, चिली फ्लेक्स है, काली मिर्च है, ओरिगैनो है, नमक है, इतनी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। आप देख सकते हैं ये ओरिगैनो है। इसके बाद अब इसमें मैं चीज़ ग्रेट किया हुआ चीज़ ऐड कर रही हूँ, और इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड करना था, वो भी मैं भूल गई, तो आप ऐड कर लीजिएगा, मैं आपको याद दिला दे रही हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिर इसे मैंने मिक्स किया, इसके बावजूद ये बहुत बढ़िया बना, तो मिक्स कर दिया इसे बहुत ही अच्छे से। तो ये जो अमूल चीज़ आता है वही मैंने लिया है। अब यहाँ पे मैं इसे छोटी छोटी से बॉल बना रही हूँ, छोटे छोटे से, और इसे इस तरह से चपटा कर रही हूँ, और इसमें मैं चीज़ की स्टफिंग करूँगी। तो अब मैं इसे बहुत अच्छे से पैक कर रही हूँ। कॉर्नफ्लावर डालने से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप ज़रूर डालिएगा। फिर इस तरह से मैंने बॉल बना लिया इसका, तो इसी तरह से सारा बनाया। अभी आप देख सकते हैं, फिर से एक बार दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए, ये डालना ज़रूरी था इसमें। अब यहाँ पे मैंने एक कटोरी में 3 चम्मच मैदे को लिया है, और इसका एक बहुत ही गाढ़ा सा स्लरी तैयार कर रही हूँ पानी डाल के। अब ये रेडी है, और साथ में ब्रेड क्रम्स है। तो जो चीज़ बॉल रेडी किया है उसे मैंने डिप किया स्लरी में, अच्छे से लपेटना है, और फिर इसे ब्रेड क्रम्स में रखा है, और ब्रेड क्रम्स में भी अच्छे से कोट करना है। तो इसी तरह से आप देख लें, पहले स्लरी में इसे कोट करना है, फिर ब्रेड क्रम्स में। तो ये रेडी हो चुका है। अब तेल यहाँ गरम है, और लो टू मीडियम फ्लेम मैंने रखा हुआ है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है, और इसे डालने के बाद ऊपर से मैं इस तरह से तेल डाल रही हूँ, और इसे पलट करके फ्राई कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन इसे भी नहीं करना है, क्योंकि इससे बाहर आ जाएगा चीज़ जो है वो फट करके बिल्कुल बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आपको गुलाबी होने तक करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये साइड से देख सकते हैं फटने लगेगा। तो ये रेडी हो गया। अब बचे हुए बॉल मैंने फ्राई किए, तो ये बन करके रेडी है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए, सबसे पहले अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जो चीज़ इसमें मैंने डाला है वो कितना बढ़िया दिख रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, सबको बहुत पसंद आएगा घर में, और टेस्टी स्नैक है, आप बना सकते हैं, कोई परेशानी भी नहीं है। एक कट करके भी दिखा रही हूँ गाइज। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखने के लिए धन्यवाद।